गाजियाबाद में आरएसएस का बाल पथ संचालन लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। आरएसएस का आरोप है कि जानबूझकर उनके संचालन में दोपहिया वाहन घुसाया गया और विरोध करने पर उनको दो कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर मारपीट उनके कार्यकर्ताओं के साथ की गई। वहीं आरएसएस का गणवेश पहने व्यक्ति की पिटवाई का वीडियो भी गाजियाबाद में वायरल हो रहा है। घटना के बाद थाना कवनीगर पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और दूसरे पक्ष के लोग भी पहुंचकर यहाँ पे पहुंचे। के बाद पुलिस ने इसे छावनी बना दिया। जानकारी के मुताबिक रविवार को आरएसएस के स्वयंसेवक गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहीदी को लेकर बाल पद यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे। आरएसएस का आरोप है कि इसी दौरान जबरदस्ती एक दोपहिया वाहन को यात्रा में लाने की कोशिश की गई और यात्रा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। जी अरुण पटेल, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब आप जो हमारे से जी और वो अंदर आप बताइए, जो बताएंगे उसी के आधार में बातें होंगी। तो क्या आपके बयान अभी तक लिखे नहीं गए हैं? क्या आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट लिखी गई है? नहीं। वो एक अरविंद तेवतिया नामक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर आया और हमारे पीछे जो सबसे लास्ट में दो वरिष्ठ स्वयंसेवक चल रहे थे सुरक्षा में, उन्हें उठाकर ले गया और उन्हें खूब बहुत बुरी तरीके से मारा। और केवल ये मत धारणा रखते हुए कि संघ का स्वयंसेवक को गणवेश पहन रखा है तो आज तुम्हारी हम खूब पिटाई करेंगे। और पुलिस के आग्रह पर, हमारे पुलिस से आग्रह पर, वो बड़ी मुश्किल से पुलिस उनके चुंगुल से उन्हें छुटा कर ला पाई।